ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्राज़ील। यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे ब्राज़ील का मैप देख रहे हो, ठीक है। ये ब्राज़ील का मैप है और यहाँ से आपको हमने क्या किया है, ब्राज़ील का जब रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो हमने इसके चार हिस्से बनाए हैं, ठीक है। एक तो रिवर सिस्टम है ये जो है आपका अमेज़ॉन का, देखिए यहाँ पे अमेज़ॉन रिवर बेसिन बोला है। दूसरा जो रिवर सिस्टम है वो है आपका ये साउथ वाला, ये तीन रिवर्स आते हैं उसमें, ठीक है। तीसरा जो है जो कि आपको इधर दिख रहा है, ये जो है ये जो इम्पोर्टेंट रिवर दिख रही है साओ फ्रांसिस्को, ओके। और उसके बाद आपको ये बहुत सारी छोटी 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 ये ऐसी रिवर्स दिख रही है, ओके। दीज आर मेनी स्मॉल स्मॉल रिवर्स यू कैन सी, ये रिवर्स जो है इनको कहते हैं कोस्टल रिवर्स। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ब्राज़ील की जो रिवर सिस्टम है उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर मेन रिवर सिस्टम, दैट इज़ द अमेज़ॉन रिवर सिस्टम। अमेज़ॉन रिवर सिस्टम के तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेज़ॉन रिवर सिस्टम। अब देखिए अमेज़ॉन रिवर जो है इसका ओरिजिन कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, दिस इज़ द अमेज़ॉन रिवर, यहाँ पे कहीं दिख रहा है ब्राज़ील में? नो, बिकॉज उसका ओरिजिन ब्राज़ील में है ही नहीं। यहाँ पे पेरू है कहीं पे, ये जो पेरू कंट्री है, पेरू कंट्री से क्या हो रहा है आपका अमेज़ॉन रिवर इमर्ज हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। अब जब हम अमेज़ॉन रिवर की बात करते हैं तो अमेज़ॉन रिवर बेसिन कहाँ पे है, किधर है? यू जस्ट सी हियर, दिस इज़ द नॉर्थन साइड, यहाँ पे पूरा है। तो ब्राज़ील के नॉर्थन साइड में, कौन सी साइड में? नॉर्थन साइड, ठीक है। नॉर्थन साइड में क्या है, अमेज़ॉन बेसिन है, ठीक है। नाउ अब ये जो अमेज़ॉन बेसिन है, अमेज़ॉन बेसिन के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज रिवर है, ठीक है। नाउ विच आर द ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ अमेज़ॉन, सी आप देख सकते हो ये यहाँ पे आपको टैकेंटिनो रिवर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से टैकेंटिनो रिवर जा रहा है ऐसा, उसके बाद अरागुआ, ये जो है यहाँ से अरागुआ रिवर जा रहा है, देन यहाँ से झिंगू रिवर जा रहा है, देन यहाँ पे जुरुआका ये जो रिवर है ये जा रहा है, देन यहाँ पे मदीरा ये रिवर जो है, देन यहाँ पे पुरू रिवर है, देन यहाँ पे जुरुआ ये रिवर है, देन यहाँ पे नाइग्रा रिवर, देन बरांका रिवर, देन यहाँ पे पारू रिवर, एंड अगेन यहाँ पे जापुरा रिवर, ओके। सो ऑल दीज आर, ये जो सब आप क्या देख रहे हो, जो लाइंस देख रहे हो, ठीक है, ये सारी रिवर्स क्या है, दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ द अमेज़ॉन, ठीक है, ओके। नाउ अमेज़ॉन रिवर जो है ये इम्पॉर्टेंट रिवर है ब्राज़ील की, क्योंकि अमेज़ॉन ने क्या किया है, अमेज़ॉन मेड अ यू नो जो ब्राज़ील का ये जो प्लेन एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया बोले तो जहाँ पे क्या नहीं होता है, जहाँ पे माउंटेन्स नहीं होते हैं। ब्राज़ील का प्लेन कहाँ कहाँ पे है, हियर इज़ द अमेज़ॉन प्लेन, देन यहाँ पे है आपका पराग्वे एंड पेंटेनल प्लेन, ठीक है, ये पराग्वे एंड दिस इज़ द पेंटेनल प्लेन, इस तरीके से तीन प्लेन्स है, ठीक है। नाउ ये जो ब्राज़ीलियन, ये जो हमारी अमेज़ॉन रिवर है, अमेज़ॉन रिवर जो यहाँ से ऐसी बहती हुई आ रही है, यहाँ पे मर्ज हो रही, आप देख सकते हो यहाँ, यू कैन सी हियर, ये मराजो आइलैंड आपको दिख रहा है, ओके, कैन यू सी दिस मराजो आइलैंड। ये जो मराजो आइलैंड है ये जब ब्राज़ील, ये जो हमारी जो अमेज़ॉन रिवर है यहाँ से ऐसी बहती हुई आई है, ठीक है, हमारी जो अमेज़ॉन रिवर है वो क्या है, ऐसी बहती हुई आई है, यहाँ से ऐसी ऐसी बहती हुई आई है, यहाँ पे मर्ज हुई है, तो इसने जितने भी सेडिमेंट्स अपने साथ बहा के लाए थे वो सारे क्या हो गए, यहाँ पे जमा हो गए और वहाँ पे क्या बन गया, आइलैंड बन गया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो हिस्सा है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ माउथ ऑफ अमेज़ॉन, और ये जो माउथ ऑफ अमेज़ॉन है यहाँ का 150, इट इज़ अ, व्हाट इज़ दैट एरिया, इट इज़ 150 ओनली आई थिंक सो, इट इज़ अ 150 किलोमीटर जो एरिया है, इट इज़ यूज फॉर द नेविगेशन, ओके, इज़ इट क्लियर नाउ? सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द अमेज़ॉन रिवर।
अभी हम अपने दूसरे रिवर सिस्टम की तरफ जाते हैं। ब्राज़ील का दूसरा रिवर सिस्टम कौन सा है? अब ये तो था नॉर्थन साइड का, हमें पता है कि ये जो है दिस इज़ व्हाट होल एरिया इज़ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ठीक है। अब ब्राज़ीलियन हाईलैंड को इधर साइड में क्या है, स्लोप है, देन इधर साइड में उसको स्लोप है और इधर साइड में उसको स्लोप है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिधर में स्लोप है उधर साइड से क्या हो रही है, रिवर्स बैरी। देखिए यहाँ पे रिवर्स क्या हो रही है, यहाँ पे जो भी रिवर ओरिजिनेट हुई है वो सारी इधर साइड में बह रही है। वाई? बिकॉज द स्लोप इज़ दैट साइड। अगेन सम रिवर्स हैज़ यू नो ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर और सभी वो क्या बह रही है, इधर साइड बह रही है, बिकॉज इट हैविंग द साउथ ईस्ट स्लोप एंड देन हियर इट हैविंग द साउथ वेस्ट स्लोप। देखिए यहाँ पे साउथ वेस्ट स्लोप है, इधर से जो भी रिवर्स है वो साउथ वेस्ट साइड में बह रही है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। नाउ जस्ट सी के ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड का ये जो साउथ वेस्ट एरिया है, दिस इज द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में जब आते हैं तो यू विल सी हियर थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स। वॉट आर दैट? सी, वन इज द पराग्वे, देन हियर इज द पराना, सी हियर इज द पराना एंड हियर इज द रुग्वे, एंड ऑल दिस थ्री रिवर्स आर कमिंग हियर मर्जिंग टुगेदर। ओके, दिस टू रिवर्स मर्जिंग टुगेदर एंड दिस इट इज कमिंग, इट इज मर्जिंग हियर, और ये कहाँ पे आ रहे हैं, अर्जेंटीना में क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे, दिस इज द अर्जेंटीना। ओके, सो नाउ अब अगर हम बात करते हैं पराना पराग्वे की तो हम क्या बोलेंगे, दीज रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साउथ west of the Brazilian highland, okay, it is getting the headwater from the this highland, इस highland से उसको क्या मिल रहा है, आगरे उसका headwater मिल रहा है क्योंकि वो origin कहाँ पर हो रही है, यहीं से origin हो रही है, okay। तीसरी चीज़ क्या बोलेंगे, ये जो rivers है these rivers, okay, all these rivers, now this is the Paraguay river and this is the Parana river, it is coming here, और यहाँ पर ये क्या हो रही है, अर्जेंटीना में कौन से river के साथ ये merge हो रही है, that is the Plata river। One more river is coming, here is the Rugwe and it is also merging here, ठीक है। So this is what all about the western flowing, south west flowing rivers, जिसको हम पराना पराग्वे पराना बेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं जो ब्राज़ील का नेक्स्ट रिवर सिस्टम है, दैट इज़ द साओ फ्रांसिस्को रिवर सिस्टम। तो पहले तो हम देखते हैं कि साओ फ्रांसिस्को स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। आप देखो साओ फ्रांसिस्को है कहाँ पे, नाउ दिस इज़ व्हाट द साओ फ्रांसिस्को रिवर, वो यहाँ से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये जो साओ फ्रांसिस्को रिवर है उसने जो भी अपना क्या बनाया है, जो भी अपना बेसिन बनाया है, ऑल द बेसिन इज लाइज ऑन द प्लेट्यू, ठीक है। मतलब सारा बेसिन जो है उसका प्लेट्यू पे ही है, ठीक है। ये जो साओ फ्रांसिस्को रिवर है ये जब ओरिजिनेट होती है उसके स्टार्टिंग का जो एरिया है उसमें का ये जो 100 किलोमीटर तक का जो एरिया, सॉरी 1000 किलोमीटर का तक एरिया जो है वहाँ वो क्या बह रही है, नॉर्थ साइड में बहती है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1000, ठीक है, ये कितना, ये कहाँ बह रही है, नॉर्थ साइड में बह रही है। उसके बाद वो क्या होती है, देन शी टेक अ शार्प टर्न, वो एकदम से ईस्टवर्ड साइड में क्या ले रही है, एकदम शार्प टर्न ले रही है, ठीक है। आपने देखा कैसे उसने शार्प टर्न ले लिया, और ये शार्प टर्न लेने के बाद वो एकदम से कहाँ मर्ज हो रही है, आपके साउथ अटलांटिक, साउथ, ये आपके साउथ अटलांटिक ओशन में मर्ज हो रही है। आई एम टेलिंग यू अगेन, सी फ्रॉम हियर योर साओ फ्रांसिस्को रिवर इज ओरिजिनेटिंग, और यहाँ से जहाँ से भी ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से 1000 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक वो कहाँ बह रही है, नॉर्थ में। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे शार्प टर्न ले लिया है, ठीक है, ये शार्प टर्न ले लिया, और ये शार्प टर्न लेने के बाद वो कहाँ मर्ज हो रही है, आपके साउथ अटलांटिक ओशन में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। ओके, इतना क्लियर है। अब ये जो हमारी रिवर है इसका ये जो हिस्सा है, ये 250 किलोमीटर का जो हिस्सा है, 250 किलोमीटर, यहाँ पे क्या चलता है, नेविगेशन चलता है, ओके, और सॉरी डाउनस्ट्रीम, ये गलत हो गया, मैंने गलत बता दिया, एक्चुअली ये जो डाउनस्ट्रीम है, दिस इज़ द डाउनस्ट्रीम, और ये जो डाउनस्ट्रीम है यहाँ का जो 250 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे क्या चलता है, आपका
नेविगेशन चलता है, मतलब मच्छी मारना ये सारी चीज़ें वगैरह क्या होती है वहाँ पे होती है, बोटिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह, ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर देयर. ठीक है, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द सैन फ्रांसिस्को रिवर. ओके, नाउ द फोर्थ कैटेगरी ऑफ ब्राजीलियन ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज़ द कोस्टल रिवर. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द कोस्टल रिवर्स. The rivers which are at the coastal side, that is the coastal river. Okay, so now you just see here, here you can see many rivers. Okay, these are the rivers, small small rivers. Okay, see, these are some rivers, these are some rivers, and you can see the length of all these rivers is very small. So these coastal rivers are very small rivers, though these are the small rivers, but it plays a vital role in the civilization of Brazil, because most of the population of Brazil is, you know, situated over this area. ये जो coastal area है यहीं पर क्या है, Brazil की आधी से ज़्यादा population क्या है, situated है. ये हम next chapter में पढ़ने ही वाले हैं. ठीक है, और यहाँ पर, और ये जो आपकी ये जो छोटी छोटी जो ये rivers है, this plays a vital role because it provide the water for the people who are situated on the bank of these rivers or the coastal area. ठीक है, coastal area में जितने भी लोग रहते हैं उनको पानी की जो सुविधा होती है वो किससे मिलती है, इन रिवर्स से ही मिलती है. ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये साउथ अटलांटिक ओशन में मर्ज होने वाली जो कोस्टल रिवर है वो कौन सी है, जैक्विथिनो, उसके बाद पुसगुवाच, उसके बाद ये जो है पमाइबा एंड इटापेकुरू. ये जो दो रिवर्स है इटापेकुरू और पमाइबा, ये कहाँ पे हो रही है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके मर्ज हो रही है, एंड दिस टू रिवर्स आर मर्जिंग इन द साउथ अटलांटिक ओशन. ठीक है, इसमें और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाली रिवर है, उसका नाम है इगाजू. ओके, ई का, सॉरी इट इज़ का जू. ये जो इगाजू रिवर है ये बहुत ये जो रिवर है बहुत ही स्पीड में फ्लो होती है. ओके, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा स्पीड है कि इस रिवर पे हमें मोर देन 250 वाटरफॉल है इस रिवर पे. मोर देन 250 वाटरफॉल्स है, कौन से रिवर्स पे, इगाजू. ओके, इगाजू रिवर पे, एंड इगाजू वाटरफॉल, इसी रिवर के नाम से एक वाटरफॉल फेमस है, दैट इज़ द इगाजू वाटरफॉल विच इज़ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ ब्राज़ील. ओके, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द ब्राज़ील ड्रेनेज सिस्टम.